आज हम यहाँ एक प्लास्टिक की नली और कैंची से एक बहुत ही दिलचस्प खिलौना बनाएंगे। आप प्लास्टिक की नली को एक हाथ में पकड़ें और इसे गोल गोल घुमाएं और दूसरे हाथ में कैंची लें और उसे काटते जाएं। ये हिस्सा एक स्प्रिंग की तरह कटेगा। इसके लिए आपको एक हाथ से प्लास्टिक की नली को लगातार घुमाना होगा और दूसरे हाथ से साथ ही साथ काटते जाना होगा। इस तरह से तकरीबन 3-4 इंच जितनी लंबी स्प्रिंग काट ले। अब यहाँ आप इस स्प्रिंग को खींच कर देख सकते हैं। नली के दूसरे सिरे को चपका कर 2 तिरछे कट लगाएं और तराश कर अलग कर लें। एक पेंसिल की नोक की तरह बनाएं। ये आवाज करने के लिए है। सबसे पहले आप ऐसे ही नली को मुंह में रखकर फूंकें तो आपको स्प्रिंग वाला हिस्सा हाथी की सूंड की तरह लहराता हुआ इर्तियाश करता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसमें कोई आवाज़ नहीं आएगी। आवाज़ के लिए आपको ये तराशा हुआ हिस्सा चाहिए। इसे फूंकें और देखें।